बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं, पगड़ियां हैं, तबलीग में भी वक्त लग रहा है, हज भी हो रहे हैं, उम्रे भी हो रहे हैं, बेटियों का लिबास देखो तो इंसान जमीन में गड़ जाता है शर्म से। अपनी बेटी को ये क्यों पहनाया है आपने भाई? पूरी आस्तीन क्यों नहीं पहना देते बच्ची को अपनी? पूरे कपड़े क्यों नहीं पहना देते बच्ची को? जो आदमी पूरे कपड़े नहीं पहना सकता वो जन्नत में जाने के ख्वाब बोलो भाई छोड़ दे। कुछ भी कर लो, 100 हज कर लो, 100 उम्रे कर लो, उल्टे लटक के 27वीं रात में रो रो के कारपेट को भिगो दो, जन्नत में ये दीन है, मजाक नहीं है, कानून को फॉलो करना पड़ेगा। कपड़े तो पूरे पहना दो अल्लाह के बंदो, अपनी बेटियों को उनको समझाओ कि बेगम कपड़े पूरे पहनेगी, ये मेरा घर है, तुम्हारे बाप से जहेज में नहीं मिला मुझे। ठीक है बेगम को मोहब्बत दे, मैं बार बार कहता हूं औरत से मोहब्बत करें, उसके खर्चे उठाएं, लेकिन उसको बाप, मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां अक्सर बीवियां रुकावट बनती हैं, कहती नहीं हमारी बच्ची मॉडर्न नजर आए, थोड़ी सी इस टांगे खुली भी हों और ये पहने हो थोड़ी सी क्या लगेगी, हम पढ़े लिखे लोग हैं, पूरे कपड़े पहनेगी तो लोग समझेंगे पता नहीं कोई नदी नाले से उठा के लाए थे इसको। गैरत दिखाओ, गैरत। बाज औरतें अच्छी होती हैं मर्दों की नस्बत, मर्द नहीं पहनने देता, औरत गैरत दिखाती है, लेकिन अक्सर यहां मामले में खवातीन रुकावट डालती हैं, क्योंकि अल्लाह ने हर एक को औरत पे अल्लाह ने हया ज्यादा रखी है, मगर गैरत अल्लाह ने मर्द में ज्यादा रखी। इसलिए मैं मर्दों को कह रहा हूं कि तुम्हारी बेटी है, तुम पूरे कपड़े क्यों नहीं पहनाते उसको? बाजार में कपड़े ही शार्ट है लड़कियों के पूरे। हम जाते हैं ना कभी अपनी बच्चियों के लिए कपड़े खरीदने, छोटी बच्चियों की फुल आस्तीन के कपड़े ही नहीं मिल रहे होते। मैं कहता हूं यार कोई दुनिया में क्या नमाजी लोग खत्म हो गए हैं? फुल आस्तीन के कपड़े नहीं मिलते, इतनी मुसीबत हो जाती है। और यही हाल मक्का मदीना का भी है। सऊदी अरब से हमारे एक दोस्त हमारी भतीजी के लिए कुछ कपड़े लेकर गिफ्ट में लाना चाहते थे, कहते हैं पूरी मार्केटें तलाश कर ली, कोई सलवार कमीज नहीं मिली। मक्का मदीना में पैंटें बिक रही हैं लड़कियों के लिए, पतलूने बिक रही हैं। अरबों का कल्चर वाट लग गई है, उस कल्चर को फॉलो मत करो। ये वो इस्लाम का कल्चर नहीं है जिस पे अरब लोग चल रहे हैं, उनकी जो औरतों के बेहुदा लिबास। हां उलमा सुलहा ऐसा नहीं करते, हम मानते हैं, लेकिन जो अरब की आवाम है अय्याशी की वजह से उनकी औरतों का लिबास बेहुदा बन चुका है, हमारी खवातीन भी उसी लिबास को फॉलो कर रही है। तो मेरे भाई जन्नत में जाने के ख्वाब बोलो भाई, ना महरम के सामने आपको अपने जिस्म को छुपाना पड़ेगा और अपनी बेटियों को। हां बेटी बालिग हो गई, कंट्रोल से बाहर हो गई, किसी की बेटी बेपर्दा घूम रही हो मैं उससे बदगुमान नहीं होता, हो सकता है कि बाप ने मेहनत की हो और बेटी ने उसको कबूल ना किया हो, बागी हो गई हो, बागी भी हो जाती है, लेकिन नाबालिग बच्ची बहरहाल आपके कंट्रोल में, जब तक 13 साल की है तो उस वक्त तक तो आपके कंट्रोल में है ना वो। फिर भी अगर मेरे भाई आपके कंट्रोल में नहीं है और आप कहते हो मैं बेगम के सामने आजिज हूं, तो ऐसा करो कि आप चूड़ियां पहन के बेगम बन जाओ और बेगम को क्या कर दो, शोहर का खिताब दे दो, क्योंकि आप कमा कमा के खिला भी रहे हो और इतनी भी नहीं घर में चला सकते कि अपनी बच्चों को आप दुपट्टा उड़वा दो, तो आपको बेगम होना चाहिए शनाख्ती कार्ड में, नाम चेंज करवा लो उसका पहले, अपना बोलो भाई बात, और जब वो मरे तो 4 महीने 10 दिन की इद्दत गुजारें आप और अपने नाम के साथ बेवा लगा दें। तो ये क्या बात है, आधा आदमी आधा औरत, तो फिर पूरे बनो, एक तरफ हो जाओ, ये दरमियान वाली चीज सही नहीं।